ओ गॉड, दिस बॉडी आर सो अनोइंग. इनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूं, बॉडी शेविंग करूं या वैक्सिंग करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, वैक्सिंग ही करा लेती हूँ. नहीं यार, बट वो बहुत पेनफुल होता है, सुना है. तो फिर रेजर ही ठीक है, लेकिन यार उससे तो दूसरे दिन ही बाल आ जाते हैं. इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है कि क्या ही बताऊं. अरे तो फिर करूं तो करूं क्या? विच वन इज बेटर फॉर यू एज अ बिगनर? आई एम श्योर आपके दिमाग में भी यही सब चलता रहता होगा अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बॉडी हेयर रिमूव करने जा रहे हो कि वैक्सिंग करूं, शेविंग करूं, करूं तो क्या करूं. तो कुछ मत करो बहन, आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को वैक्सिंग करानी है या शेविंग करानी है. सो लेट्स रोल इन. तो बात कर लेते हैं पेन की, कि पेन कितना होता है. ऑब्वियसली वैक्सिंग में ज्यादा पेन होता है एंड बॉडी शेविंग में बिल्कुल पेन नहीं होता है, बिकॉज बॉडी शेविंग में आपके जो हेयर हैं वो स्किन के सरफेस से कट होते हैं, बट वैक्सिंग में आपके हेयर रूट से रिमूव होते हैं, इसलिए उसमें पेन ज्यादा होता है. अगर बात करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की, तो ऑब्वियसली वैक्सिंग इज बेस्ट, क्योंकि वैक्सिंग कराने के बाद 1 महीने की तो छुट्टी, और बट बॉडी शेव करने के बाद आपके दूसरे दिन से वो छोटी छोटी हेयर ग्रोथ, बहुत इरिटेटिंग वाली हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. रेजर थोड़ा बजट फ्रेंडली है, आप सस्ता भी ले सकते हो, महंगा भी ले सकते हो एज पर योर बजट, बट वैक्सिंग थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट वो चार्ज करते हैं वैक्सिंग का, लाइक हैंड्स. और वैक्सिंग एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स की होती है, आप एक्सपेंसिव भी करा सकते हो और अफोर्डेबल भी करा सकते हो, बट आपके लोकल ब्यूटी पार्लर्स में आपको ये एज पर द बॉडी पार्ट इसका रेट होता है. एंड ऑन द अदर हैंड रेजर्स एक्चुअली आपको महंगे भी मिल सकते हैं, सस्ते भी मिल सकते हैं, बट रेजर रेजर का ही काम करता है. आपको 60 रुपीज़ में भी रेजर मिल सकता है, और 400 और 600 में भी आपको रेजर मिल सकता है. वैक्सिंग बहुत टाइप की होती है, आपको हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, आपको दोनों टाइप की वैक्स मिल जाएंगी, प्लस उसमें आपको एक बीन वैक्स भी मिल जाएगी ऊपर से. एंड वैक्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, लाइक एलोवेरा, वाइट चॉकलेट, चॉकलेट एंड हनी, बहुत सारी वैक्सेस अवेलेबल है मार्केट में, जो कि अलग अलग प्राइजेस में आपको मिलती हैं. प्लस वैक्सिंग में वैक्स स्ट्रिप्स भी आती है, आपने सुना होगा कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स, वीट की सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो भी आप घर पे लाके कर सकते हो अगर आपको करना आता है तो. बात कर ले अगर कन्वीनियंट की, कि घर पे रह के आप रेजर ही कर सकते हो, आई डोंट थिंक कि वैक्सिंग आप घर पे खुद से कर सकते हो, आपको किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, तभी आप वैक्सिंग कर सकते हो घर पे, अदरवाइज उस वैक्सिंग के लिए आपको पार्लर जाना ही पड़ेगा. तो वैक्सिंग हो या शेविंग, दोनों में ही इनग्रोन हेयर की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है. तो वैक्सिंग और शेविंग का इनग्रोन हेयर से कोई लेना देना नहीं है. इनग्रोन हेयर से अगर आपको बचना है, तो आपकी स्किन को वेल एक्सफोलिएटेड होना चाहिए और हाइड्रेटेड होना चाहिए. रैशेज, रेडनेस, इरिटेशन दोनों में ही होती है, चाहे वैक्सिंग हो चाहे शेविंग हो. शेविंग में आपको वो इमिडिएटली हो सकती है और थोड़े टाइम तक रह सकती है, एंड वैक्सिंग कराने के बाद स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है और थोड़ी सी जलन होने लग जाती है, बट कुछ 1-2-4 घंटे में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. आप उसके उसको कूल डाउन करने के लिए कोल्ड शावर बात ले सकते हो या आइस क्यूब्स रब कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है, ज़्यादा रेडनेस फील हो रही है. लेकिन वैक्सिंग आपको महीने में सिर्फ एक बार करानी होती है या 15 दिन में एक बार करानी होती है, तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन और इरिटेशन के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं. जहाँ पर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बॉडी शेविंग की, तो वो आपको एवरी वीक आपको वो रेजर यूज़ करना पड़ता है बॉडी पे, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं इरिटेशन के, कट्स के. तो रेगुलर यूज़ ऑफ रेजर से भी आपके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस, इरिटेशन एंड ज़्यादा इनग्रोन हेयर्स की पॉसिबिलिटी हो जाती है. वैक्सिंग में पेन होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत पेनफुल लगेगा आपको, स्पेशली ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, लाइक इनर थाइज, अंडर आर्म्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल लगेगा, एंड स्टमक पे भी, और काफ्स पे एंड फोर आर्म्स पे, हैंड्स पे इतना ज़्यादा नहीं फील होता है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, बट 1 महीने के लिए एटलीस्ट आप सॉर्टेड हो जाओगे. रेजर से ऑब्वियसली पेन नहीं होता है, पेनलेस मेथड है, बट हर हफ्ते कौन करेगा या डेली कौन करेगा? जितना ज़्यादा करोगे, उतनी ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, रेडनेस, इरिटेशन, तो कौन वो सहेगा डेली बेसिस पे?
और उसको अगर आप रिमूव करते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी तो पील हो रही है ऑब्वियसली, कि रेजर बार बार आपकी बॉडी पे चलेगा हर दिन समझ लो, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन पे। फर्स्ट टाइम जब मैंने वैक्स कराई थी तो ऑब्वियसली बहुत पेनफुल था, जब मैंने रेजर यूज़ किया तब मुझे पता चला कि वैक्सिंग मच बेटर देन शेविंग, सो आई प्रेफर वैक्सिंग। एंड इफ योर बजट इज गुड सो गो फॉर लेजर, लेजर इज बेस्टेस्ट।